सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टर्न यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने गूगल फोटोज़ के ऊपर से अपने फ़ोटो को अपनी गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारे फ़ोटो को विद अ सिंगल क्लिक फ्रॉम यूर पीसी। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटो के ऊपर अपलोड तो कर दिया है, लेकिन सम ऑफ द सिचुएशन हमको उन सारे फ़ोटो को डाउनलोड करके अपनी गैलरी में वापस लाना होता है। बाई चांस आपका फ़ोन कहीं लॉस्ट हो चुका है, या आपने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया है, या फिर आप अपने फ़ोन पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पर स्विच हो रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपके जो फ़ोटोज़ है उसका आपके फ़ोन में होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अपलोडेड गूगल फ़ोटोज़ को सिंगल क्लिक में अपने नए फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट के ऊपर, जिस अकाउंट में मैंने अपने गूगल फोटोज़ को यहाँ पर अपलोड किया है। यहाँ पर देखिए हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद सिंपली हमको ये फोर डॉट पर यहाँ पर जाना होगा और इसके बाद यहाँ पर फोटोज़ वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो जैसे ही हम फोटोज़ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी फ़ोटो गूगल फोटोज़ के ऊपर अपलोडेड है वो सारे फ़ोटो हमको यहाँ पर दिख जाएंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों मेरे अकाउंट में यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो हैं, लगभग मैंने यहाँ पर 3000 से 4000 फ़ोटो इस गूगल फोटोज़ के ऊपर अपलोड किए हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको टोटल दो तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से आप सारे फ़ोटोज़ को एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका है, आप यहाँ से डेट के थ्रू सारे फ़ोटो को सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7th जून को जितने भी फ़ोटो हमने क्लिक किए थे वो सारे फ़ोटो यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। 6th जून को जितने किए वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़ोटो उस पर्टिकुलर डेट में जितने आपने अपलोड किए थे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा 3 डॉट के ऊपर डाउनलोड। तो देखिए मैं यहाँ पर इतने सारे फ़ोटो डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा आपको, सिंपली यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से कोई भी 3 फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए वीडियो में बहुत लॉन्ग नहीं बनाना चाहता इसलिए यहाँ पर 3 फ़ोटो को सिलेक्ट किया है और डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डाउनलोड 3 आइटम। यहाँ पर देखिए तीनों फ़ोटो हमारे जिप फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुके हैं। हम यहाँ से चाहे तो डाउनलोड वाले फोल्डर में इसको देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में ये जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुके हैं और ये तीनों फ़ोटो हमारे जो हमने अपने फ़ोटोज़ के ऊपर से डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर अपने पसंदीदा फ़ोटो को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो जैसे आप अपने इस ऑप्शन पर जाएंगे मैनेज योर अकाउंट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा एंड प्राइवेसी। देखिए डेटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको गूगल के जितने भी सर्विसेज और ऐप्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ओवरऑल 6 से भी ज़्यादा ऐप्स गूगल हमको ऑफर करता है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए यूट्यूब में जितने भी मेरे प्लेलिस्ट है या वीडियो सब्सक्रिप्शन है वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जीमेल के, और यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा फ़ोटो मेरे गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर अपलोडेड है, तो मैं यहाँ से इन फ़ोटो को एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर 3000 फ़ोटो को डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपने एक दूसरे अकाउंट पे जाता हूँ और वहाँ से सेम प्रोसेस आपको कम फ़ोटो के साथ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं फ़ोटोज़ के ऊपर आ चुका हूँ। इस वाले अकाउंट में मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 10 फ़ोटो को अपलोड किया हूँ। तो सिंपली वापस से हम मैनेज अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से डेटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर वापस से ऐप्स एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फ़ोटो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड किए थे ताकि मैं यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शॉर्ट करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है योर लेटेस्ट एक्सपोर्ट। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बार इसको एक्सपोर्ट करके देखा था, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट एक्सपोर्ट की डेट दिखा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी फोटो हैं वो सारे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी यदि आपके फोटोज में एल्बम बने हुए हैं या फिर अलग अलग फोटोज हैं तो उनको सारे को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सभी फोटो सिलेक्टेड ही रहते हैं, आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेस्टिनेशन बता रहा है, डेस्टिनेशन हम गूगल के थ्रू इसका डाउनलोड लिंक यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और है ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव का। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जीमेल के थ्रू यहाँ पर डाउनलोड लिंक को रिसीव करें। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और बेसिक ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल टाइप आपको जिप फॉर्मेट ही रखना है, और यहाँ पर फाइल साइज। दोस्तों फाइल साइज देखिए, अगर आपके फोटोज बहुत ज़्यादा है यानी 3000-4000 फोटोज आपके गूगल ड्राइव पर है तो यहाँ से आप अपने जो फाइल है उसका साइज बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 50 GB तक का साइज रख सकते हैं। यदि आपकी फोटोज का जो साइज है बहुत ज़्यादा ही है यानी आपके 5000-10000 फोटो है तो आप यहाँ पर से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 GB जो साइज है वो परफेक्ट है। यहाँ पर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है 10 फोटो है वो लगभग 10-20 MB के होंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 GB रहता है, तो यहाँ से आप साइज को भी रिसाइज कर सकते हैं। सिंपली क्रिएट एक्सपोर्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है जहाँ पर डाउनलोड लिंक आने वाली है, तो आप सेम ईमेल आईडी पर लॉगिन हो जाइए। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेल आ चुका है, यूअर गूगल डेटा इज़ रेडी टू डाउनलोड। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी टेस्ट करके देखा था, तो ये देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट हो रखी है वो फाइल की डाउनलोड लिंक यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। इसके बाद हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक बार अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड डालना होगा सिक्योरिटी पर्पज़ से। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे दोस्तों आपकी जो फाइल है फ़ोटोज़ की फ़ाइल वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यह फाइल आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यह फाइल 5 MB की हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी मैं इस फाइल को आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोटोज़ को एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। तो सिंपली हम इस फाइल को अपने फाइल मैनेजर में जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड में देखिए ये फाइल आएगी हमारी, ये देखिए ये वाली फाइल आ चुकी है। सिंपली चाहे तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप जिप फाइल एक्सट्रैक्टर के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो सारी आ चुकी है, ये देखिए ये हमारी 100 की 100 फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहे तो इनको 1x1 देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ का सारा बैकअप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी जीमेल एड्रेस के थ्रू। सो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।